आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पुलिसकर्मी एक जीप को धक्का मार कर ले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बिहार पुलिस और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, आप जानते हैं या नहीं कि 14 साल से आपके अधीन बिहार पुलिस की ना बंदूक चलती है और ना ही जीप। अपराध खत्म करने की चिंता किसे है? जब पुलिस जानती है हमारे सीएम साहब और उनकी टोली के जुबानी सुशासनी हमले इतने तेज हैं कि उन्हीं से अपराध थर थर कांप जाते हैं। दरअसल इससे पहले तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के अंतिम संस्कार में सलामी के दौरान एक भी बंदूक से गोली न चलने के बाद नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के अंतिम संस्कार के राजकीय सम्मान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में 21 बंदूकों की सलामी दी जा रही थी, लेकिन उनमें से एक भी बंदूक नहीं चल सकी। नीतीश जी 14 साल से गृह मंत्री भी हैं, लेकिन इस पर मुंह नहीं खोलेंगे, शर्मनाक है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जब से पटना लौटे हैं वो लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।